साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। विधानसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। एक साथ आधा दर्जन नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और आदित्य ठाकरे पर बड़े और गंभीर आरोप लगा दिए। आदित्य ठाकरे पर गुटबाजी और भेदभाव करने के आरोप नेताओं ने लगाए और अपने इस्तीफे में साफ लिखा कि वो गुटबाजी और अंतर्कलह से परेशान होकर पार्टी को छोड़ रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, आपको भी बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूवीटी में उस वक्त कोहराम मच गया जब एक साथ 6 नेताओं के इस्तीफे आ गए। ये सभी नेता पार्टी में चल रही गुटबाजी और भेदभावपूर्ण रवैये से आजीज आ चुके हैं, इसीलिए सालों से जुड़े होने के बावजूद पार्टी को अब छोड़ रहे हैं। इनका आरोप है कि यूवीटी में सिर्फ मक्खनबाजी को जगह मिलती है, काम करने वाले और पार्टी के लिए जी जान लगाने वालों को कोई पूछता ही नहीं है। खासकर आदित्य ठाकरे पर ये आरोप लगाए गए हैं कि वो चापलूस नेताओं और काम करने वाले नेताओं के बीच में बहुत पक्षपात करते हैं, चापलूसों की ही बात मानते हैं, चापलूसों के हिसाब से फैसले लेते हैं, जबकि जो सच में काम कर रहा है उसे तो मिलने के लिए अपॉइंटमेंट तक नहीं दी जाती, महीनों तक अपॉइंटमेंट पेंडिंग पड़ी रहती है। दरअसल खबर है कि ये सब महाराष्ट्र के ठाणे में हुआ। शिवसेना यूबीटी की युवा इकाई के 6 पदाधिकारियों ने अंतर्कलह और गुटबाजी का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया। इन सभी ने अपना इस्तीफा युवा नेता प्रमुख आदित्य ठाकरे को ही भेजा और इसमें साफ लिखा कि आदित्य ठाकरे की मौजूदगी में पार्टी में अंतर्कलह बढ़ती जा रही है, काम करने वाले पदाधिकारियों की कोई वैल्यू नहीं है। इन सभी ने अपने इस्तीफे की एक एक कॉपी उद्धव ठाकरे को भी भेजी है। यहाँ आपको बता दें, जो नाम सामने आए उसके मुताबिक त्यागपत्र देने वालों में ठाणे के उप जिला प्रमुख अर्जुन ढाबी, नगर पदाधिकारी किरण जाधव और 4 पदाधिकारी और शामिल है, जिनका साफ आरोप है कि कम समझ वाले आदित्य ठाकरे की वजह से यूबीटी की युवा इकाई लगातार कमजोर होती जा रही है। पार्टी से रिजाइन करने वाले पदाधिकारियों का कहना है कि अब बहुत हो चुका है, सालों की हमारी मेहनत खराब हो गई है, हमारी सुनी ही नहीं जाती, हम अपने किए काम तक नहीं बता सकते। दबी जुबान में पदाधिकारियों ने ये भी कहा कि हम तो सिर्फ काम करते हैं, हमें पार्टी मौज और अय्याशी काटनी नहीं आती, इसीलिए इस पार्टी में हमारी कोई वैल्यू नहीं है, इस पार्टी प्रमुख की नज़र में हमारी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही लोगों को पसंद किया जाता है, काम करने वाले लोगों की कोई महत्वता नहीं है। पदाधिकारियों का कहना है कि हमने सालों इस पार्टी को दे दिए, हमने अपना वर्तमान और फ्यूचर दोनों खराब कर लिया, लेकिन अब और नहीं, हम और समय यहाँ पर रहकर बर्बाद नहीं कर सकते। वहीं इस्तीफों पर यूबीटी की भी सफाई आई है। यूबीटी की ठाणे जिला इकाई के प्रमुख केदार धीदे ने कहा कि शिवसेना सुप्रीमो दिवंगत बाला साहब ठाकरे और पार्टी नेता दिवंगत आनंद धीदे ने पार्टी छोड़ने वालों को कभी कोई महत्व नहीं दिया, नई पीढ़ी बाला साहब और धीदे के आदर्शों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, हमें फर्क नहीं पड़ता कि कौन पार्टी छोड़कर जा रहा है, हम किसी को जबरदस्ती बांध कर नहीं रह सकते। रही बात गुटबाजी और पक्षपात की, तो ये सिर्फ अनर्गल आरोप है, पार्टी में कभी गुटबाजी और भेदभाव को जगह नहीं दी गई। अब भले ही पार्टी सफाई में कुछ भी कहे, मगर सच तो ये है कि एक साथ आधा दर्जन इस्तीफे कहीं ना कहीं यूबीटी की युवा इकाई को कमजोर कर रहे हैं, जिसकी कमान आदित्य ठाकरे के हाथ में है। फिलहाल तो आदित्य ठाकरे पर कई सवाल उठ चुके हैं, देखना होगा कि उद्धव ठाकरे इन इस्तीफों के बाद आदित्य पर क्या एक्शन लेते हैं, लेते भी हैं या नहीं। आपको क्या लगता है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र में घमासान मचा है, सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर महाविकास अघाड़ी में ठनी हुई है। कांग्रेस किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है और कम से कम 150 सीटों के बगैर गठबंधन में रहने को तैयार नहीं है। वहीं उद्धव भी 125 सीटों पर अड़े हुए हैं। अब ईगो और अहंकार की लड़ाई इतनी आगे बढ़ चुकी है कि कांग्रेस तो गठबंधन से परे हटकर पूरी 288 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन भी बना चुकी है, मगर उद्धव की कई बार की गुजारिश के बाद कांग्रेस की तरफ से 2 कमेटी बनाई गई, जो कि महाराष्ट्र और मुंबई की विधानसभा सीटों पर एमवीए नेताओं से विचार विमर्श करेगी और आगे की रणनीति बताएगी। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कांग्रेस ने 2 कमेटी बनाई है। कांग्रेस ने महाविकास अघाड़ी के साथ सीट शेयरिंग की 2 समिति बनाई है। पहली समिति में नाना पटोले, बाला साहब थोराट, विजय वडेतीदार, पृथ्वीराज चौहान और डॉक्टर नितिन राउत के साथ ही आरिफ नसीम खान और सतीश बंटी पाटिल को शामिल किया गया है। इसके अलावा दूसरी समिति भी बनाई गई है, जिसमें 3 नेताओं को अलग से रखा गया है। इस वाली कमेटी
कमेटी में वर्षा गायकवाड़, अशोक जगताप और असलम शेख को शामिल किया गया है। पहली कमेटी पूरे महाराष्ट्र की निगरानी करेगी तो वहीं दूसरी कमेटी मुंबई की सीटों पर मोल भाव उद्धव ठाकरे और शरद पवार से करेगी। अब इसी बीच खबर ये आ रही है कि उद्धव को दोनों ही कमेटी पर भरोसा नहीं है और इसीलिए उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को दिल्ली भेजा है ताकि वो डायरेक्ट राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मिले और उनको महाराष्ट्र में दखल देने के लिए मनाए। अब खबरों की माने तो वैसे तो राहुल गांधी के साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ही कांग्रेस के सारे फैसले लेते हैं, मगर खड़गे इन दिनों मानसून सत्र की वजह से बेहद व्यस्त है, इसीलिए उद्धव ने राउत को दिल्ली में राहुल और सोनिया को पटाने के लिए भेजा है। उद्धव जानते हैं कि संजय राउत बातों के बड़े धनी हैं और अपनी बातों से वो राहुल और सोनिया को सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कन्विंस कर लेंगे। अब संजय राउत के दिल्ली पहुंचने की खबर तो मीडिया की तरफ से आ रही है, मगर मुलाकात की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। राहुल सोनिया राउत से मिलेंगे या नहीं, कब मिलेंगे, किस मुद्दे पर बात करेंगे, इन सभी बातों पर अभी तक कोई अपडेट नहीं है। तो क्या संजय राउत राहुल गांधी सोनिया गांधी को मना पाएंगे? क्या कांग्रेस हाईकमान महाराष्ट्र के मामले में सीधे दखल देगा? आपको क्या लगता है, कांग्रेस को अकेले महाराष्ट्र में चुनाव लड़ना चाहिए या फिर उद्धव के साथ गठबंधन में रहना चाहिए? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नजदीक है, एनडीए की महायुति भी सीटों को लेकर माथापच्ची कर रही है। वहीं इंडिया गठबंधन में शामिल महाविकास अघाड़ी में भी सीट शेयरिंग का मुद्दा गरमाया हुआ है। अब उद्धव ठाकरे की मान मनुहार के बाद कांग्रेस ने दो कमेटी बनाई है और वो दोनों कमेटी उद्धव ठाकरे और शरद पवार से डील करेगी और सीट शेयरिंग समेत कई मुद्दों पर फैसला लेगी। जी हां, कांग्रेस ने महाविकास अघाड़ी के साथ सीट शेयरिंग को लेकर दो कमेटी बनाई है। पहली कमेटी में नाना पटोले, बाला साहब थोराट, विजय वटेदीवार, पृथ्वीराज चव्हाण, डॉक्टर नितिन राउत, आरिफ नसीम खान और सतेज बंटी पाटिल का नाम शामिल है। अब खास बात यह है कि कमेटी में उन नेताओं को चुन चुन कर शामिल किया है जो कि उद्धव ठाकरे को जरा भी पसंद नहीं करते, यानी कि अब सीट शेयरिंग पर उद्धव की बिल्कुल नहीं चलने वाली। नाना पटोले, बाला साहब थोराट और विजय वटेदीवार जैसे कांग्रेस के दिग्गज अब उद्धव को असली जगह दिखाने के लिए कमर कस चुके हैं। अब ये तो पहली कमेटी है जो कि पूरे महाराष्ट्र में सीटों को लेकर उद्धव ठाकरे और शरद पवार से डील करेगी। वहीं दूसरी कमेटी भी बनाई गई है। जी हां, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल की तरफ से जारी पत्र में कहा गया है कि पूरे महाराष्ट्र में तो कमेटी बनाई गई है, इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष ने मुंबई के लिए भी अलग से तीन नेताओं की एक कमेटी बनाई है जिसमें वर्षा गायकवाड़, अशोक जगताप और असलम शेख को शामिल किया गया है। ये तीनों नेता कांग्रेस की तरफ से उद्धव ठाकरे और शरद पवार के नेताओं के साथ मीटिंग करके मुंबई के सीट बंटवारे पर चर्चा करेंगे। ये नेता ये भी तय करेंगे कि कांग्रेस प्रदेश किन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। अब खबरों की माने तो कांग्रेस ने पूरे महाराष्ट्र के लिए अलग और मुंबई के लिए अलग से कमेटी बनाई है। महाराष्ट्र वाली कमेटी सीधे उद्धव ठाकरे और शरद पवार से बात करेगी और तय करेगी कि किन किन सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है। वहीं मुंबई वाली कमेटी मुंबई की सीटों को लेकर अघाड़ी के नेताओं से बात करेगी। अब सामने आया कि इन दोनों ही कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर महाविकास अघाड़ी का भविष्य तय होगा। कांग्रेस को अलग से चुनाव लड़ना चाहिए या फिर गठबंधन के साथ मिलकर, इसका आखिरी फैसला ये दोनों कमेटी की रिपोर्ट पर ही डिपेंड करेगा। अब खबरों की माने तो कांग्रेस की नाराजगी के बाद उद्धव ठाकरे ने शरद पवार के साथ मिलकर कई बार कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की थी और गठबंधन नहीं तोड़ने की गुजारिश की थी, जिसके बाद ही महाराष्ट्र कांग्रेस ने दिल्ली हाईकमान के आदेश पर इन दो कमेटी को बनाया है। ये दोनों कमेटी ही महाविकास अघाड़ी का फ्यूचर तय करेगी। तो आपको क्या लगता है, नाना पटोले, बाला साहब थोराट, विजय दीदार और वर्षा गायकवाड़ क्या उद्धव की हेकड़ी निकाल पाएंगे? क्या अब उद्धव को कांग्रेस की हर बात मानने को मजबूर होना पड़ेगा? कांग्रेस की ये दोनों कमेटी महाविकास अघाड़ी को लेकर क्या रिपोर्ट दे सकती है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।